हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दिवाली का मौसम, दिवाली आने वाली है परसों दो तीन दिन में, और पूरा सफाई चल रही है घर में, देख सकते हैं पूरा सामान बाहर निकल गया है और मेरी वाइफ पूरा घर को देख रहे हैं, पूरा एकदम साफ सफाइया कर रहे हैं दिवाली में। हेल्प चाहिए भैया, सारा बर्तन लीजिए, बोलिए। तो रुक जाता बाहर जाइए। काफी सारा काम आज हो जाएगा लगता है। ये क्या हुआ? बहुत ही टाइम लग जाएगा। रख दीजिए बाहर, फिर कचरा में डाल दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे हम अभी शाम हो गया है, शायद साढ़े तीन हो गया, चार बजने वाला, नहीं साढ़े तीन लगभग हो गया। तो देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अगर हो गया ठीक रहेगा शाम तक। बहुत लेट हो गया, सोचे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन करना ही पड़ेगा साफ, है ना सर? इधर आइए मेरे पास, इधर आइए, इधर आइए ना। हाँ, यहाँ देखिए कितना चींटी है। देखिए यहाँ चींटी बहुत सारा है, चींटियों की बारात है, और पूरा किचन मेरा खाली खाली सा हो गया है। बस नीचे थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, अभी गंदा दिख रहा होगा मेरा किचन। अभी तुरंत आधा घंटा में इसको क्लीन कर देते, फिर आप लोग को दिखाते, और आप लोग इनको बोलिए कि थोड़ा मदद करने के लिए। है ना सर? साफ कर लेते हैं, उसके बाद आप नहीं, पूरा दिखाएंगे। तो करिए जल्दी जल्दी साफ कीजिए, नहीं तो फिर सब लोग कहेगा कि अपने पति से साफ कराती है। देख लीजिएगा, आज हम खुद से कर रहे हैं, ये भी करते हैं, पैसा नहीं है कि नहीं, ये भी थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, लेकिन अभी इनका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम इनको उतना नहीं बोलते करने, ऐसे ऊपर बोल देते, इन्हीं को झाड़ देते थे, लेकिन अभी इनका तबीयत दो तीन दिन से ठीक नहीं है, इसलिए हम खुद से कर लेते हैं, इस पे चढ़ाने के हम करेंगे तब होगा। दिवाली, छठ, ये ऐसा त्योहार है जिसमें पूरा घर जो है पूरा साफ हो जाता है, और हम लोग जो है पिछला साल ही इसको पेंट किए थे, तो इस बार सोचे नहीं पेंट करेंगे, तो सिर्फ झाड़ू साफ कर कर छोड़ देंगे पूरा। और वाइफ मेरी पूरी दम लगी हुई है, पूरा किचन साफ हो गया है एकदम। ये सब कर दिए हैं, नीचे सुबह धोना पड़ेगा घर को, क्योंकि कल धनतेरस से तो धोएंगे, और इधर कर दें, कितना सुंदर लग रहा है मेरा किचन छोटा सा। अब इसको सजाएंगे तो और प्यारा लगेगा। अब मेरे सर अभी नहा लिए, कुछ काम है इनको, तो इसलिए नहाना पड़ा, करेंगे थोड़ा देर में, मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। अभी हम इधर थोड़ा कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। अभी शाम का टाइम है, तो काम करते करते सर बोले कि चलिए थोड़ा घुमा देते हैं आपको 10 मिनट के लिए, शाम में घूम लेते हैं तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मुझे सर लेकर आए घूमने के लिए, कितना अच्छा जगह, यहाँ से जाने का मेरा मुझे डर भी लग रहा, पता नहीं पानी से मुझे डर लगता बहुत। यहाँ पे का व्यू देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है, वाह। तो अब हम चलते, शाम हो गया, घर में सफाई भी करना है, अभी बहुत चीज़, बहुत सारा सामान, यहाँ पे बालू ही बालू देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ का मूड फ्रेश हो गया थोड़ा। तो चल रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि शाम हो गया, आए थे यहाँ पे घूमने, और अब चल रहे हैं। चल रहे हैं उधर, मेरे सर आए थे अभी हमको घुमाने के लिए, लेकर है ना सर, शाम के टाइम में
सर तो नहा धो के आए थे, हम तो काम करते करते आ गए थे। सर अभी जस्ट नहाया उसके बाद आए, और हम तो काम करते करते ही आ गए हैं। चलो बैठ, तो चलते हैं अब यहाँ, बहुत अच्छा, फिर कभी आएंगे सुबह के टाइम में। तो चलते हैं, रहने देते अब, घर जाके मिल फिर मिलते हैं। हाफ गए पूरा बालू पे, थोड़ा सा चले कि हाफ गए सर पूरा। कैसा लगता है सर यहाँ? अच्छा, चलिए फिर लेट हो जाएगा ना। तो चलते मिलते फिर थोड़ा देर में, है ना सर? इसको हाथ में ले लो, ले लीजिए, पकड़िए थोड़ा सा, फिर ले लेते हो। यहाँ का रास्ता काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मुझे तो बहुत डर भी लगता है। तो बारिश के कारण पूरा अथी हो गया है, तो बाइक बहुत हिल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर से और नीचे से हम लोग जा रहे हैं। चलाने देते सड़क को, डिस्टर्ब हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस। शाम भी हो रहा है तो रहने देते, आएंगे कभी सुबह में घूमने तो आप लोग को अच्छे से यहाँ दिखाएंगे, है ना सर? चलने देते सर को, चलाने देते हैं गाड़ी। हम लोग को घर साफ करते करते तो उसके बाद आए हैं, तो यहाँ पर अभी और भी काम, बहुत सारा काम बचा हुआ है। किचन तो साफ हो गया है, खाली सामान अंदर रखना है, और वाइफ अभी काम कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ पे हम टेबल को साफ कर रहे हैं, साफ करते करते चले गए थे घूमने शाम के टाइम में, थक गए थे तो बोले सर भी चलिए घूम लेते थोड़ा सा, मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, फिर आए हैं तो फिर से सफाई कर रहे हैं, देखते हैं कितना बजे तक हो जाता, क्योंकि आज ही तक टाइम है और थोड़ा बहुत जो बचेगा कल करके सब खत्म। मेरा प्यारा सा किचन, जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे। इधर खाना भी चढ़ा देते हैं, खाना भी बनते रहेगा, काम भी होगा और काम भी होते रहेगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो आधा हो गया है सफाई और आधा बचा हुआ है, तो वहाँ से साफ करके यहाँ, इसके बाद सुख मेरी वाइफ हम लगी हुई है, तो हम भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो मिलते हैं जब ये सब पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम आप सब से मिलते हैं, आप सब से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट सब कुछ। तो वीडियो पर बने रहिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ दाल चढ़ा दिए हैं, यहाँ चावल चढ़ा हुआ है, यानी खाना भी साथ में बन रहा है और साथ साफ सफाइयाँ भी हो रहा है साथ में। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो गाइस अब रहने देते हैं, दिन भर बहुत सारा काम करना पड़ा, पहले से करते तो हो जाता अब तक, लेकिन इधर बहुत बारिश भी हो रही थी और सर का तबीयत भी ठीक नहीं था और मेरा भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, क्योंकि करवा चौथ भी इधर ही था कुछ दिन पहले, तो उसमें भी करवा चौथ भी कुछ दिन पहले ही था तो उसमें भी सफाई वगैरह किए थे, लेकिन दिवाली का सफाई जो होता है सबसे अलग होता है पूरा एकदम, मतलब सबसे दिवाली का सफाई पूरा साल का अलग सबसे होता है, तो इसमें थोड़ा करना पड़ता मेहनत। तो कोई बात नहीं, आज तो पूरा हो गया, बाकी जो बच्चा है कल हो जाएगा, और कल धनतेरस भी है तो आप लोग को एडवांस में हैप्पी धनतेरस और ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी ओर से। और मैं बहुत प्यारा लग रहा है ये लाइट सर लगाया है, कल हो सके तो पूरा घर में भी कहीं कहीं लगेगा और अच्छा लगेगा। दिवाली की तो दिवाली की तैयारी तो शुरू कर दी है हम लोग, बाकी तो गाइज आप लोग कैसे दिखाते हैं, मेरे साथ इतना सारा किए हैं काम, तो उसके बदले मेरे लिए एक
गिफ्ट ला के दिए हैं अच्छा सा, जो आप लोग को हम दिखाते हैं अभी। बिना बताए ही लाए थे, हमको पता भी नहीं था, जिसको हम आप दिखाते आप दिवाली। तो यहाँ देखिए आप लोग, वाह कितना सुंदर फ्रॉक है, फ्रॉक टॉप का है, बहुत ही सुंदर है। और कपड़ा भी इसका बहुत सुंदर है, देख सकते हैं। ऑनलाइन लाया है, ऑनलाइन मंगाया है ना सर? हाँ ऑनलाइन, हम ऐसे ऑनलाइन नहीं पहनते हैं, कभी भी नहीं पहने हैं शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मुझे सर सेकेंड बार ऑनलाइन कपड़ा ऐसे आओ लाए हैं एक दो, लेकिन अपने मन से खुद से पहले, ये जो है अपने मन से, हमको नहीं बताया थे वो ला के दिए। और ये हुआ फ्रॉक, तो आप लोग देख सकते हैं मुझ पर कैसे लग रहा, पहनूंगी इसको दिवाली के दिन, बहुत ही प्यारा है ना सर? चलिए बोल दीजिए, रात हो गया है। और इसके साथ एक दुपट्टा भी है, बहुत प्यारा सा, कितना सुंदर है ना सर? तो ये दिए हैं मुझे गिफ्ट सर दिवाली का, जो कि हम पहनेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। देते हैं, अब रात हो गई, बहुत थक भी गए थे आज, पूरा काम किए इसलिए रहने देते हैं हम। तो प्लीज़ इस चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में कमेंट जरूर उधर सब दिखा दिया कितना काम किया, सब दिखा दिए हैं। और फिर प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करिएगा कि कैसा लगता है मेरा व्लॉग, और क्या बोलता है। हाँ हैप्पी धनतेरस हम सब, आप सभी को हम मेरे क्या बोला सर है, फैमिली के लिए हैप्पी। हाँ जितने भी फैमिली है मेरे और मेरे सर की ओर से, मेरी पूरी फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी धनतेरस एडवांस में, ऐसे कल है पर आज ही हम बोल देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जो भी इस चैनल पर नए हैं, आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो रहने देते हैं इतना ही, और ट्राई करिए, तो रहने देते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।